हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, आज हम क्लास सेवेंथ का मैथ्स करेंगे। बच्चों, चैप्टर हमारा चल रहा है लाइंस एंड एंगल्स, तो उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने इसकी 5.1 एक्सरसाइज की है, उम्मीद है आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। तो बच्चों, सबसे पहले आप डाउट्स पूछेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड, जो जो क्वेश्चन हमने किए हैं। अगर कोई आपको क्वेश्चन नहीं आया हो, किसी में डाउट हो, तो आप अभी स्टार्टिंग में पूछ लीजिए। फिर हम अगली एक्सरसाइज के कुछ टॉपिक्स करेंगे और फिर अगली एक्सरसाइज करेंगे, इसीलिए पहले इसको क्लियर कर लें आप, अगर कोई आपको इसमें डाउट हो तो। तो काफी सारे हमने कई टाइप्स के एंगल्स सीखे हैं, ठीक है, कौन से प्रकार के होते हैं एंगल्स, और उनको आइडेंटिफाई किया है हमने, पहचाना है, बनाया भी है कई जगह। तो ये चीजें हमने सीखी हैं, इसीलिए आपको अब ये चीज तो अच्छे से आ गई होंगी। अब हम क्या करेंगे कि कुछ लाइंस बनाएंगे, उनकी मदद से कई सारे एंगल्स उसी में बनाएंगे, कई टाइप के एंगल्स, और फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये है रेखा एवं कोण, क्लास सेवेंथ का आपका ये चैप्टर होने वाला है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ नए टॉपिक्स यहाँ पे सीखेंगे। तो अगर कोई आपका डाउट है पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप एकदम से अपना हैंड रेज करके, हाथ उठा के आप पूछ सकते हैं, या चैट के माध्यम से भी अपना डाउट आप भेज सकते हैं, आपका डाउट पहले क्लियर किया जाएगा। अब यहाँ पे जो हम करने वाले हैं, जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों, आज जो टॉपिक है वो है पेयर ऑफ लाइंस करेंगे हम, यानी पेयर ऑफ लाइंस क्या हो गया, रेखा युग्म हो जाता है ये, ठीक है। पेयर ऑफ लाइन मतलब इसको रेखा युग्म हम बोल सकते हैं। क्या होता है ये चीज आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो रेखा युग्म क्या हो सकता है, सबसे पहले मैं बात करता हूं। देखिए, रेखा युग्म मतलब दो लाइंस होंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो किस तरह से हम इन दो रेखाओं को, दो लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, वो चीज समझने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। देखिए, अभी तक हम कोण के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम रेखा लाइंस के बारे में जानेंगे कि क्या क्या, कैसे कैसे दो लाइंस मिलके कौन सी चीजें फॉर्म करती हैं। अगर मैं बोलूं कि भाई दो लाइंस हमें बनानी है, दो लाइंस मैं यहाँ पे बनाऊंगा, लेकिन कुछ इस तरह से बनाऊंगा इन लाइंस को मैं, ऐसे और ऐसे। तो ये बताइए कि किस प्रकार की लाइंस होगी, क्या बोलेंगे इन लाइंस को हम, इन लाइंस को हम यहां पे बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये नाम बहुत जरूरी है बच्चों, इनको ध्यान रखना आप, इंटरसेक्टिंग लाइंस हम इनको बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। हिंदी में क्या बोल सकते हैं, हिंदी में इसको बोल सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इनको प्रतिच्छेदी रेखाएं हम बोलेंगे। प्रतिच्छेदी रेखाएं, अब यहां पे प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गया, और इन दो लाइंस का अगर हम नाम दें, कुछ भी नाम दे सकते हैं, एल एम जैसे हमने नाम दे दिया, तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाया है ब्लू कलर से, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए, जहां पे दो लाइंस एक दूसरे को आपस में काटती हैं, उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको, प्रतिच्छेदी बिंदु। क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु। दो लाइंस को हम एक तो इस तरह से बना सकते हैं कि दोनों आपस में काटें एक दूसरे को, और उसको हम बोल देंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं, या फिर हम इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसको बच्चों आप नोट डाउन कर लो, इसमें कोई डाउट है पूछ लीजिए आप। अब स्टूडेंट्स, एक चीज और हम करते हैं यहाँ पे, अगर हम सेकेंड पॉइंट की तरफ देखें, तो हम दो लाइंस में बना देता हूं, ठीक है, एक और दो लाइंस हो गई, दो लाइंस मैंने बनाई, और इनको मैंने एक लाइन से यहाँ पे काट दिया है, ठीक है, इन दो लाइंस को एक लाइन से काट दिया। ये जो दो लाइन है L और M, इसको लाइन P से यहाँ पे काट दिया गया है, ठीक है।
अब देखिए कि ये क्या है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोल सकते हैं इसको हम? ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, या फिर इसको हिंदी में हम बोलेंगे तिर्यक, तिर्यक छेदी रेखा। तो इसको हमने क्या बोल दिया? तिर्यक छेदी रेखा। क्या होती है तिर्यक छेदी रेखाएं? दो या उससे ज्यादा लाइंस को, ध्यान पूर्वक सुनना, एक तिर्यक छेदी रेखाएं रेखा वो होती है जो दो या उससे ज्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे काटती है। क्या बोला मैंने? कि दो या उससे ज्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे काटती है। तो इसको आप लिख सकते हैं अ लाइन दैट, लाइन दैट इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। उसको हम ट्रांसवर्सल बोल देते हैं। तो देखिए ये दो लाइंस को, जो लाइन P है वो L और M को अलग अलग पॉइंट्स पे काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इसीलिए क्या हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गई। अब बताइए कि मैं L और M बना देता हूं, यहां पे भी L और M में बनाता हूं ऐसे, ठीक है, एक L हो गई एक M हो गई और इनको P यहां पे काट रही है, ठीक है, P इस पॉइंट पे काट रही है, तो क्या ये भी ट्रांसवर्सल है? नहीं, ये ट्रांसवर्सल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट्स में नहीं काट रहे इन लाइंस को, एक ही पॉइंट पे काट रहे, इसलिए ट्रांसवर्सल नहीं है, तिर्यक छेदी रेखा नहीं है। तो ये समझ में आया, इसको नोट डाउन करो आप। तो ये दो चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि भाई ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। फिर आगे करेंगे, इसको नोट डाउन करो। नोट डाउन कर लिया सबने? अब हम करेंगे एंगल्स मेड बाय, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो कौन से एंगल बनाती है? हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं? हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं कि जो तिर्यक छेदी रेखा है द्वारा निर्मित कोण, कौन से कोण यहां से निर्मित होते हैं, तो वो आपको यहां पे पता लगेंगे। तो फिर से हम ट्रांसवर्सल लाइन बनाते हैं, ठीक है, फिर से यहां पे हम ट्रांसवर्सल लाइन बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम बना सकते हैं, और एक लाइन बनाएंगे जो कि इन दोनों को अलग अलग पॉइंट्स पे काटेगी। अब देखिए कि एक तो इस पॉइंट पे काट रही है, तो यहां पे कितने एंगल्स बन रहे हैं, कितने कोण बन रहे हैं, यहां पे चार बन रहे हैं, एक दो तीन और चार। इसी तरह इस पॉइंट पे भी एक दो तीन और चार कोण बन रहे हैं, ठीक है। इनको अगर मैं नाम दूं तो क्या क्या नाम दे सकते हैं यहां पे, एक दो तीन चार,
फिर 5, 6, 7 और 8, ये नाम इनको हम दे सकते हैं। तो अब शुरू में इन कोणों के अलग अलग नाम होते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आता है, सबसे पहले क्या आएगा, पहले नंबर पे आता है इंटीरियर, इंटीरियर एंगल्स। क्या आएगा? इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स यानी अंतः कोण। क्या होते हैं इंटीरियर एंगल, ये अब ध्यान से देखेंगे। पहले मैं इंटीरियर एंगल्स के नाम यहां पे लिख देता हूं, कौन से होते हैं। तो जो यहां पे दिख रहे हैं आपको, उनमें से एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये सारे क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल अंतः कोण, मतलब नाम से ही पता लग रहा है, जो अंदर वाले कोण हैं। तो दो लाइंस ये जो हैं, इसके अंदर की तरफ जो कोण बन रहे हैं, उनको इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे, अंतः कोण हम बोल सकते हैं। इसी तरह जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, वो कौन से हो जाएंगे, अब नाम से आपको पता लग रहा, बाहर वाले, तो जो बच गए वो बाहर की तरफ ही तो हैं दोनों लाइंस में, तो उनको अब बोल सकते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, या फिर आप बोल देंगे बाह्य कोण। तो जो बाहर की तरफ होंगे कोण, जैसे कि देखिए 1, 2, 8, 7, ये सब बाहर की तरफ हैं। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये सब एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो नाम से ही पता लग जा रहा है, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इनको नोट करो। फिर उसके बाद हम लिखेंगे करस्पोंडिंग एंगल्स कौन से होते हैं, करस्पोंडिंग एंगल्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसके बाद। फिर अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। अल्टरनेट में भी दो तरह के एंगल्स आते हैं, फिर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स हो गया। तो इस तरह से हम काफी सारी चीजें यहाँ पे करने वाले हैं, इसको आप एक बारी नोट डाउन कर लीजिए। करस्पोंडिंग एंगल्स मतलब क्या होता है कि भाई जो एंगल संगत कोणों का युग्म होता है, जो संगत कोणों का युग्म होता है, उसको हम करस्पोंडिंग एंगल्स बोल देते हैं। तो संगत कोणों का युग्म मतलब जैसे 1 और 5 है, ठीक है, एक तरफ है ये एंगल, एक जैसे से है, तो इनको करस्पोंडिंग एंगल्स बोलेंगे। इसी तरह कौन सा हो गया, 2 और 6 हो गया, इसी तरह 4 और 8 हो गया, 3 और 7 हो गया, ये सब क्या है, ये करस्पोंडिंग एंगल्स हो गए। तो इनको हम लिख सकते हैं करस्पोंडिंग एंगल्स, करस्पोंडिंग एंगल्स यानी इनको बोलेंगे संगत कोणों का युग्म, संगत कोणों का युग्म। अब संगत कोणों का युग्म फिर से मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे संगत कोणों का युग्म कौन सा होता है, यहाँ पे होगा 1 और 5, 2 और 6, 4 और 8, 3 और 7, ये होता है संगत कोणों का युग्म। तो लिख देंगे हम 1 एंगल 5, फिर आ जाएगा एंगल 2 और एंगल 6, फिर एंगल 3 और एंगल 7, फिर एंगल 4 और एंगल 8, ये हो जाते हैं, ठीक है, करस्पोंडिंग एंगल्स। तो किस कौन से वाले एंगल्स होते हैं, जो ये अल्टरनेट हमारे पास, ये हमारे पास दोनों लाइंस हैं ट्रांसवर्सल जो है इसके, देखिए इनको हम करस्पोंडिंग एंगल्स बोलते हैं, जो ऐसे वाले होते हैं, जो ये होते हैं, इनको हम करस्पोंडिंग एंगल्स बोलते हैं। ये और ये करस्पोंडिंग है, ये और ये करस्पोंडिंग है, इसी तरह वो नीचे वाले करस्पोंडिंग होते हैं। अब हम क्या बोल सकते हैं, एक और टाइप के हम एंगल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि हैं अल्टरनेट एंगल्स। क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स यानी एकांतर कोण।
क्या है? एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण कौन से होते हैं बच्चों, ये चीज भी हम देखेंगे। एकांतर कोण की अगर बात करें तो जैसे कि अगर ट्रांसवर्सल पे हम कोण बनाते हैं तो जैसे कि ये और ये क्या हो गए? अल्टरनेट एंगल्स हो गए, ठीक है। इसी तरह ये और ये भी अल्टरनेट हो गए एंगल, बाहर की तरफ वाले भी ऐसे ही होंगे। तो जो ये अंदर वाले बनाए हैं ये हो गए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। क्या हो गए? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स बोलेंगे इनको, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स को हम क्या बोल सकते हैं? एकांतर अंतर कोणों का युग्म। इंटीरियर मतलब अंदर वाले, अंतर कोण और अल्टरनेट एंगल मैंने बता दिया एकांतर कोण जो होते हैं। अब इनका नाम क्या क्या है देखिए, यहां पे अगर हम रेफर करें तो 4 और 6, 3 और 5 के इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि एंगल 3 एंड एंगल 5, और दूसरा क्या होगा एंगल 4 एंड एंगल 6, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इसी तरह एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की भी हम बात करेंगे तो एक्सटीरियर अल्टरनेट भी, अगर आप इससे पता लगा सकते हैं कि एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं तो लिखिए। आप मुझे भी बताइए कि कौन से आपको पता लगे हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब देखिए अगर हम बात करते हैं एक्सटीरियर की, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, इनकी हमेशा पेयर होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखिए कि कौन सा इनका पेयर होता है, फिर से हम डायग्राम पे चलते हैं। तो एक्सटीरियर की जहां पे बात हो रही है मतलब बाहर वाले, बाहर की तरफ कौन से जैसे एक है तो एक के साथ कौन सा होगा, एक के साथ यहाँ पे 7 होगा अगर अल्टरनेट की बात करें। अल्टरनेट मतलब एक इस तरफ और एक इस तरफ, इसी तरह 2 इस तरफ है तो इस तरफ वाला 8 लेंगे हम, तो 1 और 7, 2 और 8 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 8, ये यहाँ पे पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गया। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये कौन से हो सकते हैं ये हम देखेंगे कि सेम साइड मतलब एक ही तरफ। तो अगर आप इंटीरियर एंगल की बात करते हैं तो हमने देख लिए थे इंटीरियर एंगल कौन से थे, 3, 4, 5, 6। अब एक ही तरफ मतलब सेम साइड की अगर बात करें तो कौन से होंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे पेयर ऑफ इंटीरियर, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स ऑन द सेम साइड, सेम साइड। तो सेम साइड फिर से एक बार हम डायग्राम पे चलते हैं। तो इंटीरियर एंगल थे 3, 4, 5, 6, सेम साइड में, तो देखिए 3 और 6, 4 और 5 ये सेम साइड में है, तो आप लिख सकते हैं एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6, और दूसरा क्या था एंगल 4 एंड एंगल 5, ये हो गए। इनको आप नोट डाउन कर लें। तो ये देखिए जितने टाइप के हमने एंगल थे वो ज्यादातर यहाँ पे कवर कर लिए हैं ट्रांसवर्सल लाइन जो बनाती है।
अब इसके आधार पे आपके सामने क्वेश्चन आएगा, इसको नोट डाउन करो पहले आप। अब एक चीज और करेंगे हम इसी के साथ साथ, देखिए आपको ये पता लग गए हैं कि भाई ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा कौन से एंगल्स बनाती है। अब हम करने जा रहे हैं कि ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस, यानी समांतर रेखाओं की तिर्यक्षेदी रेखाएं। समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी तिर्यक्षेदी रेखा। तो अब हम पहले तक क्या थी कि लाइंस पैरेलल नहीं थी, अब हम पैरेलल लाइंस का बनाएंगे, मतलब ये दो लाइन पैरेलल हम बना सकते हैं और इनकी हम तिर्यक्षेदी रेखा बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं आप। अब यहां पे क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी देखिए, एंगल यहां पे वही बनेंगे लेकिन कुछ चीजें यहां पे अलग हो जाएंगी। क्या अलग हो जाएंगी, ध्यानपूर्वक देखें। जैसे कि जो करस्पोंडिंग एंगल्स थे, क्या थे, करस्पोंडिंग एंगल्स, करस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, समझ गए। जो करस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं संगत कोणों को क्या होता है, बराबर होते हैं, संगत कोणों का जो युग्म होता है वो बराबर होता है, ठीक है, मतलब संगत कोणों का युग्म बराबर होता है, संगत कोणों का युग्म बराबर होता है। इसी तरह जो हमने अल्टरनेट एंगल्स किए थे, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो इंटीरियर अल्टरनेट, एक्सटीरियर अल्टरनेट, ये सब क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, अगर इक्वल होते हैं। इस डाउन कर लें बच्चों। तो बच्चों आज हमने ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में पढ़ा कि भाई ट्रांसवर्सल लाइन कैसे बनती हैं और उनसे कौन से एंगल्स बनते हैं, और अगर पैरेलल हो ट्रांसवर्सल लाइन, अगर पैरेलल लाइंस को कट करती हो तो उसमें हमारे एंगल्स कौन से बराबर हो जाते हैं। ये चीज बच्चों आप अच्छे से एक बार रिवाइज करें, घर जाके कोई डाउट होगा तो आप अगली क्लास में पूछ लीजिए, इसके बेस पे ही हम अब क्वेश्चंस करेंगे। अगली एक्सरसाइज जो होगी आपकी इसी के बेस पे आएगी। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।